रोहतक में कैसी सुरक्षा व्यवस्था के इसका भी रियलिटी चेक किया के खबरें अभी तक ने इस बात का जायजा लिया के हमारे संवाददाता देवेंद्र दाकी ने। मौजूदगी इस वक्त रोहतक के बस स्टैंड पर है जहां रोजाना हजारों यात्री पहुंचते हैं अपने गंतव्य को जाने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बसें आवाजाही बसों की जो है अभी भी चल रही है, शाम का वक्त है लेकिन यात्री अभी भी आ जा रहे हैं। और जहां तक बात सुरक्षा व्यवस्था की है तो हमने यहां बारीकी से सभी चीज़ों को जांचा परखा है। जहां पे बसें लगती हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, जहां पे टिकटें मिलती हैं लोगों को, वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नज़र नहीं आते। हाँ, इसके साथ में जो बस स्टैंड जहां से बसें अंदर घुसती हैं, बस अड्डे के अंदर आती हैं, वहां पर स्वैट की टीम को ज़रूर लगाया गया है। जहाँ पर कुछ पुलिस कर्मचारी हैं वो बिल्कुल चौकन्ना नज़र आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था इसके अलावा कहीं पूरे बस स्टैंड पे नज़र नहीं आई। हाँ, ये लोग बिल्कुल चौकन्ने हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। देवेंद्र दांगी, खबरें अभी तक रोहतक। तो रोहतक के बस अड्डे की तस्वीर आपको दिखा रखे थे हमारे संवाददाता देवेंद्र दांगी।